ऋषभ विहार शहादरा दिल्ली में स्थापित, जिसकी महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा जिन मंदिर है जो कि आज पूरे भारतवर्ष में जाना पहचाना नाम है। इस मंदिर जी में मूल नायक 1008 श्री आदिनाथ भगवान जी विराजमान है। मंदिर जी में विराजित तीनों मूल वेदी के दर्शन करने देश विदेश से भक्तों का आवागमन लगा रहता है। मुख्य वेदी पर विराजमान भगवान संभवनाथ की रजत प्रतिमा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से 2020 में प्रतिष्ठित होकर आकाश मार्ग से गमन करते हुए श्री दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ विहार शहादरा में प्रतिष्ठित की गई थी, जिसमें मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के प्रिय शिष्य निरापक मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का। यहाँ की कीर्ति दूर दूर तक विदेशों में करीब 2.5 वर्ष पहले हुए श्री सम्मेद शिखर जी आंदोलन से हुई, जिसमें ऋषभ विहार जैन समाज ने अपना तन मन धन समर्पण कर सम्मेद शिखर जी को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्ष पूर्व परम पूज्य आचार्य श्री सुतसागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में इसी भव्य धरा पर एक अभूतपूर्व कैलाश पर्वत अष्टापद की अकृत्रिम रचना की गई, जिसकी पूरे भारतवर्ष में चर्चा होती रही। इसे देखते हुए दूर दूर से जनसमूह देर रात तक आता था। पिछले वर्ष 2023 में 1008 श्री सुनील सागर जी महाराज ससंग का 50 साधु साध्वियों सहित चातुर्मास कराने का सौभाग्य भी ऋषभ विहार समाज को प्राप्त हुआ, जहां तीनों परम तपस्वी गुरुओं आचार्य श्री सुनील सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी एवं आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल मिलन की साक्षी भी यही धरा बनी। ऐसी पावन पुनीत धरा पर इस वर्ष 2024 में सराकोदारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य परम पूज्य 105 गणिनी आरिका आश्रमती माता जी का चातुर्मास हो रहा है। माता जी के सानिध्य में प्रत्येक दिवस विभिन्न प्रकार की भक्तिमय कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। अतः आप भी यहां पर विराजमान 1008 श्री आदिनाथ भगवान के मंत्र मुग्ध कर देने वाले अद्भुत चमत्कारी प्रतिमा के मंगल दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है जो एक बार यहां आकर प्रभु के दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है। गाय नमः। ओम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोहि सभ्य सवणम शांतिनाथाय शांतिग्राय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगप्रतो विनाशनाय सर्वपरकराय क्षुद्रोपद विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रासी आयुषा नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शूर्पष्टि छत्प्रातिहरे मंडिताय शूर्पष्टि छत्प्रातिहरे शोभन पद्मदाय भम लभ्रीं विजय सर्वधर्म शांतिग्राय नमः। सर्व शांति उद्भूत विषण जलो उदरे वारे भोगना शोचाम दसामुपगदाश जीविताश तत्पाद पंकज सम्पूजिकानां प्रतिपालकानामिदीन्द्र सामान्तबोधनानां देशस्य राष्ट्रपुरस्काज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जनेन्द्र छोटे बाबा नमो नमः। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकर गिरिशान्तिनाथाय नमः। अथ चढ़ेगा भूतल में आदिनाथ जी प्यारे, दानी जन्मों दानी लिखाने बाहर बैठक होगी। एक दिन ऐसा आए हो अष्टकुंभनायक भावना भाई सोलह तीर्थंकर अभिलाषा चूरे करम से कर गुरु भाषा आचारज भगत करे है सो निर्मल आचार करे काल जो साधे सोई रत्न जय माला पुनार भयम मांती महासुख हो बोलो मंदिर
अंदर जाकर से प्रतिमा कितनी सुंदर है। सर सिर धाम में बावन पुंज कर होने के हैं मंदिर सारे। धीर रखो तुम धीर रखो, धीर तुम्हें मिल जाएगी। अत्रमम सन्निधो भाव भाव वसत सन्निकरणम। जय हो जय हो जय हो। अनंत को प्राप्त है अर्घम निर्वामिति स्वामी हरि का हमाए करने गणनी पद है गणनी पद दे डाला। ओम रीम श्रीम क्लीम अनम गर्भ कल्याण प्राप्ताय श्री बांसु जनेन्द्राय नमः। मोती शिखर जी के लिए तैयार हो गए हैं। आंधी तूफान आए रूबी देखो गुरु का दर्शन करके सलाई उठा के भैया दिया सलाई दीपक आज जला देना। कहती थी शंकर की वाणी पड़े चलो मोक्ष महल की ओर मोक्ष महल की ओर मोक्ष महल की ओर। बोली देवाई देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। बोली देवाई देव 1008 श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज की। परम श्रद्धे आचार्य भगवान श्री एकस्वर विद्या सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री एकस्वर ज्ञान सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री गेश सागर जी महाराज की। निर्यापक श्रवण मुनि श्री एकस्वर सुधा सागर जी महाराज की। 10 लक्षण महापर्व राज की। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। धर्मस्नेह बंधु आज 10 लक्षण पर्व का अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य और उत्तम ब्रह्मचर्य का भाव है बहिरंग से अंतरंग की और प्रवेश करना। बहिर्मुखी से अंतर्मुख की ओर प्रवेश करना। भक्त से भगवान बनना। कंकड़ से शंकर बनना। उसका नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य। उत्तम ब्रह्मचर्य जहां सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं। केवल एक भाव अपने आत्मा से परमात्मा बनने का भाव जब रहता है तब जाकर के कहीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म में प्रवेश किया जाता है। उस पद को पाने के लिए उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जहां लगता है कुछ नहीं है और वही सब कुछ है। जहां लगता है कुछ भी नहीं है वही सब कुछ है। हमें उस ब्रह्म चर की ओर बढ़ने के लिए
ब्रह्म माने ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? अपनी आत्मा में रमण करना, संसार में रमण नहीं, भोगों में रमण नहीं, अपनी आत्मा में रमण करना ही ब्रह्मचर्य व्रत है। और जो अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं, अंतर्मुख हो जाते हैं, वही उत्तम ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर लेते। एक दृष्टांत के माध्यम से आपको ले चलते हैं, इसकी महिमा कैसी है। एक बालक, एक नन्ना बालक गुरुकुल में पढ़ाई करता था, गुरु के सानिध्य में पढ़ा था और गुरु के सानिध्य में पढ़कर जब वह एक युवा हो गया, उसकी पढ़ाई पूर्ण हो गई, तो वह अपने घर की ओर वापस लौटता है। वापस लौटता है तो गुरु से बोलता है, हे गुरुदेव, मैं गुरु दक्षिणा में क्या दे सकता हूं, मुझे बतलाइए। आपने मेरी विद्या पूर्ण कराई है, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं कुछ नियम लेना चाहता हूं। उस बालक ने कृष्ण पक्ष के 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले लिया। दिन बीतते गए, वह बालक अपनी पढ़ाई पूर्ण करके अपने घर अपने देश चला गया। उधर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक बालिका आरिका माँ के पास पढ़ाई कर रही थी और आरिका माँ के पास रहती थी, वे बड़ी हुई, उसने भी जब उस बालिका की पढ़ाई हुई तो उसने भी 15 दिन शुक्ल पक्ष का नियम ले लिया। दोनों अलग अलग शहर के थे, दोनों अलग अलग देश के थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे। आगे चलते हैं तो माता पिता विवाह के बारे में सोचते हैं, तो दोनों का संयोग ऐसा होता है कि दोनों का विवाह हो जाता है। जब शादी के बाद दोनों आपस में मिलते हैं तो युवा कहता है कि मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा 15 दिन कृष्ण पक्ष का नियम है ब्रह्मचर्य व्रत का। कोई बात नहीं, दिन बढ़ते हैं, 15 दिन बीत जाते हैं, वापस से फिर शुक्ल पक्ष आता है, फिर दोनों एक साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, तो अब वह बालिका बोलती है कि सुनिए, मैं भी क्षमा चाहती हूँ, मेरा भी 15 दिन शुक्ल पक्ष का नियम है। दोनों का नियम, युवा का भी नियम, युवती का भी नियम, 15-15 दिन दोनों का नियम। दोनों आपस में खुशी पूर्वक रहते हैं। वह बालिका कहती है, आपको दूसरा विवाह करना है आप कर लीजिए, मुझे कोई आकुलता विपत्ति नहीं है। वह युवक कहता है, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों अपने व्रतों को पालन करते हुए बहन भाई की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। व्रत संयम नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे और बढ़ते हैं तो एक दिन क्या होता है, एक श्राविका से एक गलती हो जाती है। तो जिस श्राविका से गलती होती है, वह श्राविका मुनिराज के पास जाती है और मुनिराज के पास जाकर के अपने पापों का प्रक्षालन करती है, पश्चाताप करती है, निवेदन करती है, क्षमा याचना करती है। हे मुनिराज, मुझसे एक गलती हो गई। क्या?
क्या गलती? महाराज श्री, मैं अज्ञानवश मुझसे अनछने जल का उपयोग हो गया। मैंने एक दिन बिना छना हुआ जल यूज कर लिया, मुझे पता नहीं था ये बिना छना हुआ जल है। वह कहते हैं कि तुम अतिथि संविभाग का पालन करती हो। हाँ महाराज, मैं जब तक भोजन नहीं करती, जब तक मेरे यहाँ किसी साधु संतों के, किसी त्यागी व्रतियों के आहार भोजन पानी ना हो जाए, तब तक मैं भोजन नहीं करती। तो मुनिराज कहते हैं, ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हारा ये काला चंदोवा सफेद हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। वह वृद्ध माँ अपने घर चली जाती है और प्रत्येक दिन कभी मुनिराज का पड़गान करती है, कभी आरिका का पड़गान करती है। जब कोई मुनिराज आरिका नहीं होते तो व्रतियों को निमंत्रण देती है, और व्रती नहीं होते तो खुद भी व्रती होती है, किसी श्रावक को भोजन करा करके भोजन करती है।